नमस्ते इंडिया, केम छो वर्ल्ड, आई एम बलराम किशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम कुछ बैम्बू की प्लांटेशन कर रहे हैं। 4000 पौधे कल लगा रहे हैं तलून बड़वानी मध्य प्रदेश में, और ये पौधे अभी आए हैं बालकुआं के। तो पूरा गांव, पूरा देश, पूरा विश्व कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएगा, और इसी कड़ी में हम बलराम किशन एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। कल ऑक्सीजन पार्क के तहत बड़वानी मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन पार्क की इकाई आ रही है, उसमें हम 4000 बालकुआं बाम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं 12x6 पर। और ये नागेश, ये पौधे निकाल के दिखाओ बेटा कैसा है बालकुआं का। बाम्बू सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, और 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है अदर किसी भी प्लांट से। और आप हैं नागेश्वर, मेरे कज़न ब्रदर। दिस इज़ बालकुआं। सूट राइजोम बना हुआ है, नीचे जड़े आ चुकी है। खड़ा करो, नीचे जड़े आ चुकी है। और बालकुआ मेरा फेवरेट है क्योंकि जल्दी कटिंग आती है, जल्दी हार्वेस्टिंग आती है, तीसरे साल आ जाती है। शायद मैं कोशिश करूंगा 2 साल में हार्वेस्टिंग लेने की। ये 9 एकड़ का मेरा फील्ड है, अभी रात में आप देख नहीं पा रहे होंगे। बड़वानी से जस्ट 8 किलोमीटर है, और नर्मदा नदी से 5 किलोमीटर पर है, और हम गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर कॉर्नर पर हैं। 100 किलोमीटर गुजरात है, 100 किलोमीटर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश का एक कोना है ये। इसको पश्चिम निमाड़ बोला जाता है, और पहले यहाँ पर काफ़ी सारा सतपुड़ा का जंगल हुआ करता था। अब हमने ही, इंसानों ने जंगल को बंजर बना दिया है। पहल कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। आइए, पूरे विश्व को इनवाइट करता हूँ, कल हम मिल करके पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा दें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराएं। मैंने बाम्बू को चुना ही इसलिए है कि बाम्बू जब बड़ा होता है तो फिर इसमें पानी, बारिश होती है तो इसके खेत से पानी बाहर नहीं जाता। इसकी पत्तियां जब ड्रॉप होती है तो केचुए, अर्थवर्म केचुए, इसकी पत्तियों को बहुत अच्छे से खाते हैं और होल और पोल बनाते हैं। तो धरती माँ के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। बारिश जब भी होती है या हम नदी नालों का, कुएं का पानी डालते हैं इसमें, पौधों को देते हैं, तो पानी पूरा का पूरा अंदर जाता है। और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है पृथ्वी का, हमने बोरिंग कर करके माता का पानी पूरा सोख लिया है, तो उसके पत्थर गर्म हो रहे हैं। राइट, पत्थर गर्म हो रहे हैं। वो पत्थर गर्म होना रोकेंगे तो हमें धरती माँ के अंदर जितना हमने शोषण किया है उतना सारा का सारा पानी वापस अंदर डालना पड़ेगा। तो बैम्बू एक ऐसा प्लांट है जो लगता है वहाँ की धरती सुदृढ़ सबल संभल बनती है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, और जो व्यक्ति बैम्बू लगाता है उसको धन धान्य से परिपूर्ण करता है बैम्बू, और धरती माँ उसे बहुत सपोर्ट करती है। इसी आशा के साथ हम कल 5 जून 2022 ऑक्सीजन पार्क की पूरी टीम बड़वानी मध्य प्रदेश में, जो ऑक्सीजन पार्क बन रहा है वहाँ पर, हम 9 एकड़ का बैम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं। एक्चुअली 4300 पौधे आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन गाड़ी में जगह कम थी तो डिलीवर 4000 पौधे हुए हैं, 300 पौधे कल होंगे। 4300 पौधे हम लगा रहे हैं। आइए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ऑक्सीजन पार्क की निर्मित हो रही है मेरे साथ, बलराम किशन के साथ। पूरे भारत और विश्व को मैं इन्वाइट करता हूँ, आप जहाँ हो, जिस जगह पर हो, वहीं पर जो आपको अच्छा पेड़ पौधा लगे उसको नया रूप दें, नया जीवन दें, उसको पानी दें, सींचे, सहजे, उसके साथ गमन करें, और प्रकृति में अपने होने की उपस्थिति दर्ज करें। उपस्थिति दर्ज करें, क्योंकि हम शोषण कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन रिटर्न प्रकृति में देने का हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। केवल पेड़ पौधे लगा करके हम जितना चूस रहे हैं ना, शब्द गलत है लेकिन चोट करना जरूरी है, उतना रिटर्न देने की कोशिश करो। जितना भी बोलूँगा कम है। आइए, मध्य प्रदेश बड़वानी में जो बैम्बू प्लांटेशन किए हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं 9081
39222 ये ऑक्सीजन पार्क का नंबर है। जिस किसान के पास भी बैम्बू प्लांटेशन है, खरीदी बिक्री यहाँ पर चालू हो गई है मध्य प्रदेश बड़वानी में, आप ऑक्सीजन पार्क की टीम से संपर्क कर सकते हैं, और जिनको बैम्बू प्लांटेशन करना है वो भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।